नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी, एक और बड़ा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं चिकित्सा विभाग को लेकर के। दोस्तों, लगातार राजस्थान में जो भर्तियां है उनमें काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है, काफ़ी समय से चलता आ रहा है फर्जीवाड़े को लेकर के। अभी चिकित्सा विभाग में भी एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, तो उसको लेकर के हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये पूरी जानकारी है। फर्जी दस्तावेज वाले 413 अभ्यर्थियों के पंजीयन निरस्त। 413 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी पाने की कोशिश की है। पैरामेडिकल की ये कार्रवाई है दोस्तों। इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग की कार्रवाई, इसमें 200 से ज़्यादा अभ्यर्थी तो सहायक रेडियोग्राफर भर्ती में चयनित भी हो चुके हैं। ऐसे अभ्यर्थी है जो सहायक जो रेडियोग्राफर जो भर्ती है उसमें चयनित भी हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं क्या हो रहा है, ये योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। दोस्तों, जो योग्य अभ्यर्थी है उनके साथ अन्याय हो रहा है, फर्जी लगा कर के डिप्लोमा और अपनी नौकरी पाते हैं। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि कराई जांच, इनके दस्तावेज मिले फर्जी। ये देखिए दोस्तों, RPMC की जांच कमेटी में MP पैरामेडिकल काउंसलिंग के साथ पत्राचार किया और नैतिक जांच राय और समस्त पंजीकृत अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का अवलोकन किया। 23 जुलाई को सुनवाई के साथ ही गंभीर 4 निजी विश्वविद्यालयों से डिप्लोमा लेने वाले अभ्यर्थियों का पंजीकरण निरस्त कर दिया और साथ ही इनको बर्खास्त कर दिया गया है। दोस्तों, अब इनको नौकरी पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब तो इनको जो ओरिजिनल दस्तावेज है वही लाने पड़ेंगे। दोस्तों, ये दस्तावेज तो सारे फर्जी हो गए, इनको निकाल दिया गया है बाहर। इसके अलावा ये देखिए दोस्तों, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग में MP के विभिन्न विश्वविद्यालयों से फर्जी दस्तावेज एवं डिप्लोमा डिग्रीधारी 413 अभ्यर्थियों के काउंसलिंग में पंजीयन अस्थायी तौर पर रद्द कर दिए गए हैं और इनको अब जिनका इनका जो पंजीयन है इनको रद्द कर दिया गया है और ये लगातार ऐसे फर्जीवाड़े के कारण जो योग्य अभ्यर्थी है इनको बाहर होना पड़ता है और ऐसे निकम्मे अभ्यर्थी इनमें लग जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा ये जो योग्य अभ्यर्थी है उनके लिए कि बहुत ही गलत सिद्ध हो रहा है और 413 अभ्यर्थी योग्य बाहर हो गए और ऐसे फर्जीवाड़े वाले से इन वैकेंसियों में लग जाते हैं। दोस्तों, तो इसको लेकर के अपडेट था चिकित्सा विभाग का। जैसे ही अन्य कोई अपडेट होगा, अन्य जिलों से संबंधित हो या किसी भी नर्सिंग से संबंधित छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा अपडेट हम लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। दोस्तों, चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों, और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर के। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।